कि जिन्होंने वादा किया था 2014 में अच्छे दिन आएंगे, अब अच्छे दिन आ गए। पेट्रोल 80 के पार, जब $115 का एक बैरल था, 45 तक आ गया था, आज 70 का है। जब मनमोहन 115 में 75 से नीचे था पेट्रोल, आज 70 पे क्यों ऊपर है? मोदी जी और वित्त मंत्री जी जवाब दे, अच्छे दिन कैसे आएंगे? जब मनमोहन 115 में इसे कंट्रोल किए हुए थे, इन पर 70 पे कैसे आ रहा? ये कैसे दे रहे जादो, कैसे अच्छे दिन आ गए? मीडिया के ऊपर आप क्या कहना चाहते हो? मीडिया के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है पूरे देश की मीडिया दबाव में है, चाहे उनके लाइसेंस रद्द करने के लेकर, उनकी जानमान की रक्षा के लेकर, कुछ भी समझ लो, मगर मीडिया पूरे भारत का दबाव में है। कोई चैनल केंद्र के खिलाफ जाए, उसी पे एकदम अटैक होएगा। आप कैसे समझ रहे हैं कि मीडिया दबाव में है? मैं ऐसे समझ रहा हूँ कि जो चीज़ें राइट सच्चाई है उसको नहीं दिखाते, और जो सच्चाई नहीं है उसे दिखाते। जैसे खतौली में 23 लोगों की मौतें दिखाई जबकि 1000 लोग मरे। अरे एक ट्रेन अगर पलट जाए, डिब्बे तितर बितर हो जाए और मोदी जी को वहाँ भेज दे तो भी बच जाएंगे जिंदा? नहीं, केवल 23 लोग दिखाए जबकि 2300 लोग होंगे उसमें। फिर कैसे? यही तो इस देश की विडंबना है, मरते 2300 दिखाते 23। प्रवीण कुमार जी, मेरा एक सवाल है। जी, आप मोदी जी के बारे में कह रहे हैं जी, मोदी जी के पार्टी के सामने विपक्ष भी है। हाँ, विपक्ष भी है। तो विपक्ष खामोश क्यों है? विपक्ष आप क्या? विपक्ष खामोश इसलिए है, विपक्ष को बिल्कुल ऐसे दबाया हुआ है जैसे अगर गणतंत्र दिवस में मनमोहन सरकार थी तो अटल जी और लाल कृष्ण आडवाणी प्रथम पंक्ति में बैठते थे, और आज जब मोदी जी की सरकार है तो चौथी पंक्ति में बैठते हैं, ये उन्हें नीचा दिखाया जा रहा है। अरे जब उनकी सरकार थी तो पहले नंबर पे, ये उनकी अच्छाई थी। क्या आप ये अहंकार नहीं तो हो रहा है क्या? आप कांग्रेस को ज्यादा अहमियत देना चाहते हैं या अन्य पार्टी को अहमियत देना? मैं किसी को मैं किसी को अहमियत नहीं दे रहा हूँ, मैं इस लोकतंत्र को अहमियत देना चाहता हूँ। अगर लोकतंत्र युवा है तो आप युवाओं के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? नौकरियों की बात करें। हाँ, व्यवसाय की बात करें। मोदी जी का वादा था कि हम साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे मोदी जी ऑन रिकॉर्ड ये दिखाए कि 2 लाख नौकरियां दी केंद्र सरकार ने। लोग युवाओं से वादा था सबका साथ सबका विकास, कितने कितने ओबीसी लोगों को इन्होंने साथ लिया, कितने इन्होंने एससी लोगों के। अरे कहते हैं इन दलितों को मत मारो, मुझे गोली मार दो। अरे मैं कहता हूँ कि दिन रात दलितों को मारा जा रहा है। अभी महाराष्ट्र में 1 जनवरी 2018 को क्या हुआ कि लोग अपना वहाँ अपना प्रोग्राम करने जा रहे हैं, उन्हें आते हुए लोगों को षड्यंत्र एक प्लान के तहत मारा जाता है, लूटा जाता है, जलाया जाता है, और मोदी जी कहते हैं नहीं मैं इन सब का इन्हें मत मारो। अरे ढोंग मत करो, जाके उन लोगों को पकड़ो, उन पर FIR दर्ज हो, उन्हें गिरफ्तार करो और फांसी दो। अरे ऐसे थोड़ा ही होता है दिखावा, हम दलितों के हितैषी, ये तो दिखावा हो गया।